हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने देखिए आपके साथ ये वाला बैक नेक डिज़ाइन शेयर किया था। देखिए, बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप ये वाला बैक डिज़ाइन बनाना सीख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको देखिए इसके जो हम फ्रंट में डिज़ाइन बनाएंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी। तो देखिए, हमारा बचा हुआ जो अस्तर का फैब्रिक है इसके ऊपर देखिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। 34 साइज़ का हमारा ये ब्लाउज है। ब्लाउज की रेडी लेंथ यहाँ पर 13.5 इंच है, तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, लेंथ के लिए हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। जितने भी आप तैयार लेंथ रख रहे हैं उसमें आपको 1.5 इंच लेंथ में इसमें आपको बढ़ा लेना है। देखिए, फ्रंट पार्ट हमेशा देखिए हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा होता है बैक से। और देखिए, यहाँ पर हम हुकाई पट्टी के लिए जगह छोड़ेंगे। फ्रंट में हमारे हुकाई पट्टी बनेगी। यहाँ से देखिए, इसमें हम शोल्डर 5 इंच लेंगे एंड आर्म होल्स यहाँ से हम 5.5 इंच लेंगे। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें ये शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट ले लेना है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए एक बॉक्स हम बनाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा यहाँ पर 34 इंच है, तो इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। और यहाँ से हम 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। सिलाई मार्जिन आप चाहो तो यहाँ पर 1.5 इंच भी ले सकते हो। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें कमर का भी फोर्थ पार्ट कर लेना है। कमर हमारी यहाँ पर 29 है, तो इसका चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7.5 इंच और 2 इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन। ये सिंपली हमें मार्किंग कर लेनी है। अभी देखिए, इसको हम यहाँ से प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए, इसमें हम आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरीके से ये बैक का ऐसे शेप होता है। और इसमें देखिए, हमें हाफ इंच की गहराई करनी है फ्रंट पार्ट में। आपको ध्यान रहे, यहाँ पर हाफ इंच से ज़्यादा गहराई नहीं करनी है। इसके बाद देखिए, आर्म होल की तरफ से इसको हम 1 इंच बढ़ाएंगे और नीचे से यहाँ पर देखिए इसको हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे टक्स के लिए। ये देखिए, ऊपर से मैंने इसको 1 इंच बढ़ाया है क्योंकि यहाँ पर जो हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे उसमें हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा, इसलिए हमें ये प्रिंसेस कट में हमें साइड से एक्स्ट्रा लेना होता है। इसको यहाँ से देखिए हम कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमने हुकाई पट्टी के लिए देखिए लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से देखिए एक निशान हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट के लिए 10 इंच पे निशान लगाएंगे। बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है, हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। और यहाँ से भी देखिए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है हमें। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.25 इंच के यहाँ पर हम इसमें डार्ट लगाएंगे। और डार्ट की देखिए हाइट हम यहाँ पर 2 इंच रखेंगे। और यहाँ से देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से आप गोलाई करते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे दें इस तरीके से, ये देखिए। और इस लाइन को आगे की तरफ हम मिला देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए गाइस, बहुत ही ईजी है, आप इजीली इस तरीके से देखिए इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए, इसको हम हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने जो लेंथ को बढ़ाया है इसको यहाँ से देखिए साइड से कम करना है, ताकि हम जब ब्लाउज़ की फिटिंग लगाएं तो हमारा बैक और फ्रंट बराबर आए। देखिए, तो इसको आप तिरछा ज़रूर से कट करें। अभी देखिए, यहाँ पर हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और नेक लेंथ के लिए यहाँ पर देखिए हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नेक लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से एक बॉक्स हमें बना लेना है। यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, राउंड नेक भी बना सकते हो या फिर आप चाहो तो यहाँ पर वी नेक भी बना सकते हो। मैं इसमें देखिए सिंपली एक डिज़ाइन बनाऊँगी। तो एक निशान मैंने यहाँ से 4 इंच पर लगाया है और इसको देखिए हल्के हाथ से गोलाई करते हुए इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व से भी इसमें गोलाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे गोलाई करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए, त्रिकोण का हम डिज़ाइन यहाँ पर बना रहे हैं।
तो अभी इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आगे भी आपको इसी टाइप के यूनिक जो नेक डिज़ाइंस हैं उनके वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है। अभी क्या करेंगे, देखिए इसको हम मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर इसको कट कर लेंगे। चारों तरफ से हमें हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके इसको कट कर लेना है। तो मैंने इसको देखिए कट कर लिया है। अभी इसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको हम यहाँ पर जो अस्तर का फैब्रिक है इसको मैन फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे। तो इसमें चारों तरफ हम स्टिच लगा के इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, और जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके यहाँ से इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर देखिए इसमें इसको फैब्रिक ग्लू फेविकोल की हेल्प से भी चिपका सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर इसमें देखिए स्टिचिंग भी लगा सकते हो। चारों तरफ मैंने स्टिच लगा ली है। अभी देखिए इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके यहाँ से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। देखिए इसकी जो फ्रंट पार्ट है इसमें देखिए हम पोटली बटन्स के साथ इसमें बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइन बनाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इसी तरीके से मैंने सारे पीस है वो रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें हम पोटली बटन अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पोटली बटन्स बना के रेडी कर लिए हैं, और इसको देखिए यहाँ पर इसमें हम अटैच करेंगे। तो ऊपर की तरफ देखिए हाफ इंच, और नीचे की तरफ भी हाफ इंच जगह छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हमारी कमर पट्टी आएगी, और ऊपर की तरफ इसमें हम नेक में डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए मैंने हाफ इंच जगह छोड़ दी है, और यहाँ से इसमें देखिए हम ये पोटली बटन्स अटैच करना शुरू करेंगे। ध्यान रहे गाइस, हमें जिस तरफ भी हुक्स पट्टी बनानी है उस साइड हमें देखिए ये पोटली बटन्स अटैच करने हैं। तो मैं देखिए सिंपली इसमें राइट साइड में हुक्स पट्टी बनाऊंगी। तो इस साइड मैंने देखिए इस बटन्स को अटैच किया है। अगर आप लेफ्ट साइड में बटन बनाना चाहते हो तो दूसरी वाली साइड इसमें आप अटैच कर सकते हो। इसका देखिए कोई फिक्स रूल नहीं है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप इसमें हुकाई पट्टी किसी भी साइड बना सकते हो। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर लिया है पोटली बटन्स को, और यहाँ पर देखिए हम अस्तर वाले फैब्रिक की एक पट्टी कट करेंगे 2 इंच चौड़ी, और इस पट्टी को एक बार फोल्ड करते हुए इसके नीचे की तरफ रखेंगे, और यहाँ पर देखिए इसमें इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। यहाँ से देखिए जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे, ताकि इसकी यहाँ से अच्छे से फिनिशिंग आए, इसलिए मैं इसको कट कर देना है। इसको कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस पट्टी को हम ऐसे सीधा करेंगे और इसकी किनारी के ऊपर एक स्टिच और लगाएंगे। अभी देखिए इस पट्टी को हम नीचे की तरफ टर्न करेंगे, और इसके ऊपर एक सिलाई हम लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए गाइस, हमारे यहाँ पर पोटली बटन्स का डिजाइन है वो बनके रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर देंगे हम। ये देखिए गाइस, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे पोटली बटन्स यहाँ पर अटैच हुए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जो इसका प्रिंसेस कट का शेप है, यहाँ पर इसमें हम डोरी वाली पाइपिंग अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये पाइपिंग देखिए रेडी कर ली है, और रेप पट्टी ली है, और उसके अंदर मैंने धागा डाल के देखिए उसको रेडी कर लिया है। इस पट्टी को देखिए यहाँ पर रखेंगे इस पाइपिंग को, और यहाँ पर इसमें हम स्टिच लगाएंगे। इसमें स्टिच लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे रखेंगे, और जो हमने सिलाई लगाई है देखिए यहाँ पर ये सिलाई हमें दिखाई दे रही है, तो इसी सिलाई के ऊपर हम फिर से सिलाई चलाएंगे, तो जो हमारी पाइपिंग है एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको अटैच कर लेना है। तो ये देख सकते हैं गाइस, कितना प्यारा पफ हमारा यहाँ पर बना है ये देखिए, और ये पाइपिंग एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। इसमें देखिए कोई भी खिंचाव झोल कुछ भी नहीं आया, आप देख सकते हैं। अभी इसका हम नेक रेडी करेंगे। तो इसके लिए भी देखिए मैंने डोरी वाली पाइपिंग ऑलरेडी बनाई हुई है। इस पाइपिंग को कैसे बनाते हैं, कैसे इसको अटैच करते हैं, ऑलरेडी मेरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इस पाइपिंग को देखिए हम यहाँ पर रखेंगे हाफ इंच जितना, यहाँ पर इसको बाहर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ देंगे फोल्ड करने के लिए, और देखिए इस पाइपिंग को यहाँ पर हम अटैच करेंगे।
तो जो हमने यहाँ पर धागा इसमें इंसर्ट किया हुआ है, इस धागे के पास में यहाँ पर इसमें हम स्टिच लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पर भी ये पाइपिंग ईजीली अटैच हो जाएगी और इसका जो फिनिश है बहुत ही अच्छे से आएगी इसकी फिनिशिंग। देखिए जहाँ पर इसका ये कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पर हमें इसमें एक कट लगाएंगे छोटा सा इस तरीके से। और अभी देखिए इस पाइपिंग को हम नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए एक सिलाई फिर से लगाएंगे। देखिए गाइज बहुत ही इजी तरीका है, इस तरीके से आप इजीली अपने किसी भी डिजाइन वाले नेक में इस डोरी वाली पाइपिंग को अटैच कर सकते हो। और डोरी वाली पाइपिंग के साथ जो हमारे नेक की फिनिशिंग आती है ना, बड़ी ही कमाल की आती है। तो आप इस वाले मेथड को ज़रूर से ट्राई करें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखिए नीचे से हम कट कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पर भी देखिए एक छोटा सा कट हम फिर से लगाएंगे जहाँ पर हमारी नोक बन रही है, यहाँ पर देखिए। और इस पाइपिंग को देखिए नीचे की तरफ टर्न करते हुए इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इसमें कच्ची स्टिच भी लगा सकते हो, जिसे आप हेमिंग करने के बाद वापस निकाल सकते हो। मैं इसमें देखिए पक्की सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए गाइज नेक हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं जहाँ पर इसका कॉर्नर बन रहा है वो भी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। देखिए कहीं से भी नेक है ये उठा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए ये नेक है रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है और इसमें हमें कमर पट्टी भी लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने ये पार्ट रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। सिंपली मैंने इसमें कमर पट्टी भी अटैच कर दी है, ये देखिए। तो हमारा जो फ्रंट का लुक है इस तरीके से आएगा, ये देखिए। अभी हम बैक पार्ट लेंगे देखिए, और इसके यहाँ से हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसमें शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं, ये देखिए। अभी देखिए इसमें हमें स्लीव्स अटैच कर लेनी है और यहाँ पर इसमें फिटिंग लगा लेनी है, ये देखिए। आप चाहो तो यहाँ पर इसको स्लीवलेस बनाना चाहते हो तो स्लीवलेस भी बना सकते हो। तो देखिए गाइस कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक यहाँ पर बना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।